देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांचा आज स्मृतिदिन. त्यानिमित्त आज देशभरात शहीद दिवस पाळण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहीद दिनानिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामात अतुलनीय योगदान देणाऱ्या भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या महान नायकांचं बलिदान देशवासियांच्या कायम स्मरणात राहील असं सांगत पंतप्रधानांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. अमर शहीद भगतसिंग, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर. देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृतत्व प्राप्त होते हैं. वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं. हम सबको इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं. और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस बार शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है. देश आज आजादी के लिए योगदान देने वाले नायक नायिकाओं को नमन कर रहा है, उनके योगदान की स्मृति को ताजा कर रहा है. शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं.